गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो गाइस? आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे गाइस। और जैसा कि आप सबको पता है गाइस, मैं जसदीप सिंह आपके सामने हमेशा की तरह आज करंट अफेयर्स 20 लेकर आया हूं। और गाइस, चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और गाइस, पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके पास फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाए। तो गाइज, आपका जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, हाल ही में बॉब वाटसन का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए है गाइज टेनिस, ऑप्शन नंबर बी है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी है गाइज बेसबॉल, और ऑप्शन नंबर डी है हॉकी। तो गाइज, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए 10 सेकंड के अंदर अंदर आपकी लाइव चैट के अंदर। यस गाइज, ऑप्शन नंबर ए टेनिस, क्रिकेट, बेसबॉल और हॉकी। तो गाइज, इसका जो सही आंसर है गाइज, ये है बेसबॉल से संबंधित। कौन? बॉब वाटसन। और गाइज, ध्यान रखिएगा, यह बेसबॉल के बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। और अभी इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है, ध्यान रखिएगा। और इनको द बॉल के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे गाइज? द बॉल, ध्यान रखिएगा, द बॉल के नाम से भी इनको पहचाना जाता था। अगर गाइज हम बात करते हैं कि ये कब जन्मे थे, तो गाइज ये जन्मे थे 10 अप्रैल 1946, ध्यान रखिएगा, 1946 में इनका क्या हुआ था गाइज? जन्म हुआ था लॉस एंजल्स में, ध्यान रखिएगा। और गाइज, अगर बात करें इनकी डेथ कब हुई है, तो आपको पता होना चाहिए 14 मई को इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी 2020 के अंदर गाइज, वो भी कहाँ पर? हंस्टन के अंदर। कहाँ पे हुई थी गाइज? हंस्टन में। तो गाइज, याद रखिएगा कि जो बॉब वाटसन है, इनका निधन हो चुका है, और यह किस खेल से संबंध रखते हैं? बेसबॉल से संबंध रखते हैं। और इन्हें किस नाम से जानते हैं गाइज? द बॉल के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं गाइज हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यस गाइज, हाल ही में पीएम ई विद्या प्रोग्राम के लिए कितने यूनिवर्सिटी को चुना गया है, यानी कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? किसके लिए? पीएम विद्या प्रोग्राम के लिए गाइज, ध्यान रखेगा। तो गाइज, आपको बता दें, इसका जो सही आंसर है वो देश की जानी मानी कितनी यूनिवर्सिटियाँ, 100 यूनिवर्सिटियाँ हैं, ध्यान रखेगा, यानी 100 विश्वविद्यालय हैं जिनको क्या किया गया है, चुना गया है, ध्यान रखेगा। किसके अंदर? पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए, ध्यान रखेगा। और इसमें जो 100 जनों को जोड़ा गया है, आपको ध्यान रखना है, जो ये 100 जने जोड़े गए हैं, ये देश की क्या हैं? टॉप 100 यूनिवर्सिटियाँ हैं। कितनी हैं? टॉप 100, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होगा गाइज, ये जो पीएम ई विद्या प्रोग्राम है, आपको बताया हुआ है वैसे मैंने, क्लास फर्स्ट से लेकर, गाइज ध्यान रखिएगा, कहाँ तक? 12th तक के जो बच्चे हैं उनके लिए गाइज 12 चैनल बनाए जाएंगे। और ये जो 12 चैनल हैं, ये किसके थ्रू बनाए जाएंगे गाइज? ये ध्यान रखिएगा, DTH के थ्रू बनाए जाएंगे। किसके थ्रू बनाए जाएंगे? DTH के थ्रू बनाए जाएंगे। और गाइज, इसकी बात करते हैं कि इसमें होगा क्या, ध्यान रखिएगा। तो DTH के थ्रू इनका क्या होगा गाइज? प्रचार होगा, प्रसारण होगा, यह TV पर भी दिखाए जाएंगे। तो गाइज, आप सबको पता लग गया ना कि पीएम ई विद्या प्रोग्राम जो है, यह देश की टॉप 100 यूनिवर्सिटियों को इनमें क्या किया गया गाइज? शामिल किया गया है। और आपको पता होगा हर क्लास के लिए क्या होगा, अलग अलग चैनल होगा। जैसे मैंने आपको बताया 12 चैनल बनाए जाएंगे, तो हर क्लास के लिए अलग अलग क्या बनाया जाएगा? चैनल बनाया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन को क्या किया जाएगा? प्रमोशन करवाया जाएगा उस ऑनलाइन शिक्षा का। और यह सब किसके थ्रू होगा गाइज? यह चैनलों के थ्रू होगा, जो आपको चैनल बताए जाएंगे उनके थ्रू इनका क्या होगा गाइज? प्रमोशन होगा। तो गाइज, आपको पता लग गया कि पीएम ई विद्या प्रोग्राम जो है, उसमें कितनी यूनिवर्सिटियां हैं? 100 यूनिवर्सिटियां हैं। तो गाइज, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत को बनाया है? हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए, आप सबको पता है, कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत बनाया है? ऑप्शन नंबर ए 169, ऑप्शन नंबर बी 201, ऑप्शन नंबर सी 211, और ऑप्शन नंबर डी 50। तो गाइज, फटाफट इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बता दीजिए।
यस, इसका जो सही आंसर है गाइज वो है 211। गाइज ध्यान रखिएगा गाइज, जो 211 गायक हैं उन्होंने मिलकर इसे गाया है। आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा गाइज, जो वैसे तो 6 मिनट की है लेकिन आपको मैं क्रॉप करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि वो सॉन्ग क्या है। आपको सबको पता है गाइज, अभी आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए व इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हमारे जो गायक हैं, हमारे जो सिंगर हैं, उनमें जो मेन मैं बता दूं आपको, लता मंगेशकर, आशा भोसले, सोनू निगम जैसे बड़े बड़े जो फेमस सिंगर है गाइज, उन्होंने एक गाना गाया है। उस गाने का नाम है क्या? जयतु जयतु भारतम। गाइज ध्यान रखिएगा, और यह 211 गायकों ने मिलकर क्या किया है, बनाया है। और इसमें कौन कौन से सिंगर है मैंने बता दिया आपको, और फेमस सिंगर है आपको पता लग गया। अब गाइज यहाँ पर बात आती है आत्मनिर्भर की। किसकी बात आती है गाइज? आत्मनिर्भर की, ध्यान रखिएगा। तो ये आत्मनिर्भर क्या चीज़ है? आप सबको पता है आत्मनिर्भर क्या है? इसमें जो देश की लोकल चीज़ें हैं गाइज, यानी कि जो हमारी खुद की स्वदेशी वस्तुएं हैं, उनको ही लोग क्या करें गाइज, खरीदें। तो उससे क्या होगा, हमारे देश का उत्पादन भी बढ़ेगा और देश अपने स्तर पर आत्मनिर्भर भी क्या होगा गाइज, बनेगा। तो गाइज आपको पता लग गया होगा कि आत्मनिर्भर जो भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु भारतम गीत बनाया है, वो है 211 गायकों ने मिलकर बनाया है। तो आइए देखते हैं छोटी सी वीडियो जो शायद आपको पसंद आए। हाँ जी गाइस, तो आपने वीडियो देख ली है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4th। हाँ जी गाइस, 4th नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस खेल संगठन ने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है गाइस? हाल ही में किस खेल संगठन ने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये थूक लगाते क्यों हैं बॉल के ऊपर। आप सबने देखा होगा कि बॉल के ऊपर एक थूक लगाई जाती है, वो क्यों लगाई जाती है? तो गाइज बॉल पर जो थूक लगाई जाती है वो इसलिए लगाई जाती है जिससे कि बॉल की जो ग्रिप है वो क्या बन सके, अच्छी बन सके, और वो जो टर्न फेंकना चाहते हैं उस टर्न को भी वो क्या कर पाएँ, फेंक पाएँ गाइज। इसलिए बॉल पर क्या लगाया जाता था, या तो थूक लगाया जाता था या फिर क्या करते थे, अपने शरीर के साथ उस बॉल को रगड़ते थे। आप सबको पता होगा गाइज ये बात। तो इस पर जो इस्तेमाल पर जो रोक लगा दी गई है गाइज, वो किसने लगाई है? तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो आपके सामने है, ये देखिए गाइज, ये आपके सामने है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी इसका जो सही आंसर है गाइज वो है ICC। आपको गाइज एक बात और बता दूं कि जो ये इस्तेमाल पर रोक लगाई है थूक करने पर, इससे पहले भी लगा चुकी है कौन, ऑस्ट्रेलिया लगा चुकी है गाइज, ध्यान रखिएगा। कुछ टाइम पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया ने बॉल को चमकाने के लिए थूक व पसीने से चमकाने के लिए रोक लगाई थी गाइज, ध्यान रखिएगा। और अब किसने किया है, अब किया है ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो गाइज यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात आई है, तो सबसे पहले गाइज हम बात कर लेते हैं स्थापना की। इसकी स्थापना हुई थी गाइज 15 जून, ध्यान रखिएगा, कब हुई थी, 15 जून 1909 में, ध्यान रखिएगा, यानी 1909 के अंदर इसकी क्या हुई थी स्थापना। इसका जो गाइज हेडक्वार्टर है
वो कहाँ पर है? यस, दुबई में। कहाँ पर है गाइज? दुबई में, ध्यान रखिएगा। इसको दुबई बोलते हैं वैसे, ध्यान रखिएगा, पर दुबई ध्यान रखिएगा। तो गाइज इसके जो चेयर पर्सन है गाइज, ध्यान रखिएगा, इसके जो चेयर पर्सन है वो है शशांक मनोहर। और गाइज इसका जो मोटो है वो है क्रिकेट फॉर गुड। क्या नाम है गाइज? क्रिकेट फॉर गुड। तो गाइज आपको पता लग गया होगा कि ICC ने किस पर रोक लगा दी है, बॉल को चमकाने पर। तो गाइज चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी गाइज, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। यस, हाल ही में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है? हाँ जी गाइज, ऑप्शन नंबर ए DBS बैंक, सॉफ्ट बैंक, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ मलेशिया। तो गाइज इसका जो सही आंसर है गाइज, फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए लाइव चैट में। हाँ जी, यस गाइज, इसका जो सही आंसर है गाइज वो है सॉफ्ट बैंक। कौन है? सॉफ्ट बैंक। आपको बता दें कि अलीबाबा के जो संस्थापक थे गाइज, जैक मा, ये है आपके सामने जैक मा, ये अब तक गाइज ध्यान रखिएगा सॉफ्ट बैंक के बोर्ड में थे, लेकिन अब इन्होंने इस बैंक के बोर्ड से क्या दे दिया है गाइज? इस्तीफा दे दिया है, ध्यान रखिएगा। और आप सबको ये बात पता लगी है कि अलीबाबा के जो संस्थापक थे वो जैक मा थे, और वो किस में काम कर रहे थे गाइज? सॉफ्ट बैंक में। तो अब हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं किसकी? सॉफ्ट बैंक की। गाइज सॉफ्ट बैंक का जो स्थापना हुआ है वो हुआ है 1981 में, ध्यान रखिएगा। और गाइज इसके जो CEO हैं वो है गाइज मासायोशी सन। क्या नाम है इसका? मासायोशी सन। और इसका जो गाइज हेडक्वार्टर है सॉफ्ट बैंक का वो है टोक्यो। कहाँ पर? जापान में। टोक्यो जापान में गाइज, ध्यान रखिएगा। तो आपको सबको पता लग गया होगा क्या कि अलीबाबा के जो संस्थापक जैक मा है, उन्होंने सॉफ्ट बैंक से क्या दिया है? इस्तीफा दिया है। तो चलते हैं गाइज हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पर। गाइज क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। हाल ही में रत्नाकर मतकारी का निधन हुआ है, वह कौन थे? हाल ही में रत्नाकारी मतकारी का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पत्रकार, ऑप्शन नंबर बी लेखक, ऑप्शन नंबर सी गायक, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो गाइज इसका जो फटाफट आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर है इसका? यस गाइज, आपको बता दें इसका जो सही आंसर है गाइज वो है लेखक। तो आपको बता दें कि जो रत्नाकर मतकारी हैं, इनका जो निधन हुआ है गाइज, वो क्या थे? लेखक थे, और मराठी भाषा के प्रतिष्ठित क्या? लेखक थे। और इनका जो जन्म हुआ है गाइज, वो हुआ है 17 नवंबर 1938 में। और कहाँ पर हुआ है गाइज? मुंबई में। कहाँ पर हुआ है? मुंबई में, 17 नवंबर 1938 मुंबई में। और इनकी जो डेथ हुई है गाइज, वो भी देखिए कितना संयोग की बात है, 17 मई 2020 में हुई है, 17 मई 2020 में हुई है। और गाइज ये नाटककार भी रहे हुए हैं, और इनको गाइज 2004 में, ध्यान रखिएगा, आपको जो फोटो दिखी है उसमें यही अवार्ड देते हुए आपको दिखाया जा रहा है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ऑफ थिएटर। गाइज ध्यान रखिएगा, इसका इनको अवार्ड मिला था 2004 में। और गाइज 2013 में गाइज ध्यान रखिएगा, बेस्ट फीचर फिल्म इन मराठी में भी गाइज इनको क्या मिला है? नेशनल अवार्ड मिला है। तो गाइज आपको सबको पता लग गया कि रत्नाकर मतकारी जो है यह एक लेखक थे, वो भी किसके? मराठी के। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 गाइज आपके सामने है कुछ इस प्रकार। यस, हाल ही में COVID-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गाइज बुंदेलसीगा फुटबॉल लीग, ऑप्शन नंबर बी कॉमनवेल्थ गेम्स, ऑप्शन नंबर सी एशियन गेम्स, और ऑप्शन नंबर डी फीफा वर्ल्ड कप। इसका सही आंसर गाइज फटाफट बता दीजिए क्या होगा? यस, इसका सही आंसर है गाइज, आपको बता दें यह बुंदेलसीगा फुटबॉल लीग पर क्या है, ऐसी लीग है गाइज, ध्यान रखिएगा, जो दुनिया की पहली खेल स्पर्धा है जो COVID-19 के बाद क्या होने वाली है? शुरू होने वाली है। और गाइज यह जर्मनी की एक सबसे फेमस क्या है? लीग है, जिसका नाम क्या है आप सबको पता लग चुका है। इसका मतलब होता है गाइज क्या? फेडरल लीग, या हम कह सकते हैं संघीय लीग। क्या कह सकते हैं? संघीय लीग, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं गाइज
आपको पता लग गया कि इसको संघीय लीग कहते हैं। इसको जो गाइज स्टार्ट किया गया है वो बिना दर्शक के शुरू किया गया है। किसके शुरू किया गया है? बिना दर्शक के। तो गाइज यहां पर जर्मनी की बात आई थी तो जर्मनी से ले लेते हैं हम। जर्मनी की अगर बात करते हैं कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है गाइज इसकी बर्लिन। इसकी करेंसी क्या है गाइज? वो है यूरो। क्या है? यूरो। और यहाँ की जो चांसलर है गाइज वो कौन है? एंजेला मोर्कल। कौन है? एंजेला मोर्कल। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। यस गाइज, हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? यस गाइज, हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए DU, ऑप्शन नंबर ए AMU, ऑप्शन नंबर सी BHU, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो गाइज इसका फटाफट आंसर दे दीजिए, क्या है? हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है गाइज, ध्यान रखिएगा, DU। DU का मतलब है गाइज क्या? दिल्ली विश्वविद्यालय, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपको बता दें गाइज यह शुरू क्यों किया जाएगा? यह स्कूल सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अपने खोज और प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया जाएगा। तो गाइज आपको पता लग गया यह क्यों शुरू किया जाएगा, कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अपने खोज व प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया जाएगा। तो चलते हैं गाइज हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। हाल ही में एक परजीवी कवक की एक नई प्रजाति की क्या हुई है गाइज? खोज हुई है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो गाइज आपके सामने ऑप्शन है ट्विटर, यस, अमेजन, गूगल, टिकटॉक। तो गाइज फटाफट इसका आंसर दे दीजिए, क्या आंसर होगा इसका? यस गाइज, हाँ जी, इसका सही आंसर है गाइज ट्विटर। ध्यान रखिएगा, ट्विटर ने इसको क्या किया है? यस, उसके बेस पर इसका क्या रखा गया है? नाम रखा गया है। तो गाइज आपको बता दें कि इसकी जो प्रजाति है, इस प्रजाति का नाम है गाइज क्या? ट्रोग्लो मिसेसिस प्रिटेरी। क्या नाम है गाइज इस प्रजाति का नाम? ट्रोग्लो माइसेसिस प्रिटेरी। तो गाइज चलते हैं इसी से रिलेटेड कुछ बात पर। ट्विटर की जो स्थापना हुई थी गाइज वो हुई थी 2006 के अंदर। कब हुई थी? 2006 के अंदर, वो भी गाइज 21 मार्च को। इसका जो गाइज हेडक्वार्टर है वो है सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में, US। और गाइज इसके जो CEO हैं वो है जैक डोर्बे। कौन है गाइज? जैक डोर्बे। तो गाइज ट्विटर पहली ऐसी कंपनी बन गई है गाइज जिसने अपने एम्प्लॉयज को, ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम का भी क्या दे दिया है? ऑप्शन दे दिया है। वर्क फ्रॉम होम समझते हो ना गाइज, कि ऐसे कैंडिडेट या ऐसे व्यक्ति जिनका बाजार में कोई काम नहीं है, मार्केट में कोई काम नहीं है, जिनको घर से बैठकर ही क्या दे सकते हैं हम, काम दे सकते हैं 24 घंटे, उन्हें क्या कहा जाता है? वर्क फ्रॉम होम कहा जाता है। तो गाइज 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ट्विटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। हाल ही में नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक बने हैं गाइज, इसका फटाफट आंसर दे दीजिए। राजेश गोयल, अमृतपाल सिंह, सुधीर रंजन और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो गाइज इसका सही आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, क्या होगा? जी हाँ, यस गाइज, इसका जो सही आंसर है गाइज वो है राजेश गोयल, ध्यान रखिएगा। और यह जो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है गाइज, ये 1998 के अंदर क्या हुई थी? एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है गाइज वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है गाइज? न्यू दिल्ली में। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। हाँ जी गाइज, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए KYC एक्सेप्ट करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए है HDFC, ऑप्शन नंबर बी है गाइज कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर सी है यस बैंक और ऑप्शन नंबर डी है गाइज नन ऑफ दीज। और गाइज आप सब ने KYC के बारे में, आपने पता नहीं कितनी बारी गाइज, आपने हजारों बार इसको सुना होगा, हर जगह KYC होती है जिसको बोलते हैं नो योर कस्टमर। आप सबको पता होगा KYC की फुल फॉर्म क्या है? नाउ योर कस्टमर, यानी अपने कस्टमर के बारे में आपके पास क्या होनी चाहिए? पूरी जानकारी होनी
चाहिए। तो गाइज यहाँ पर क्या हुआ है कि कोटक महिंद्रा जो बैंक है, ध्यान रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए KYC एक्सेप्ट करने वाला क्या बन चुका है, पहला बैंक बन चुका है। तो गाइज यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की बात आई है, तो गाइज इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका जो गाइज हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। इसके जो CEO हैं गाइज, वो ध्यान रखिएगा कौन है, वो है उदय कोटक। क्या नाम है? उदय कोटक, ध्यान रखिएगा। और गाइज एक बात और बात कर लेते हैं कि इसकी जो टैग लाइन है गाइज कोटक महिंद्रा बैंक की, वो है लेट्स मेक मनी सिंपल। तो चलते हैं गाइज हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है गाइज, और यह है आपका लास्ट क्वेश्चन है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। गाइज ईरान के पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC के गवर्नर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर ए मुर्तजा रहमानी, ऑप्शन नंबर बी मनोज चेहर मोताकी, ऑप्शन नंबर सी कमल खराजी और ऑप्शन नंबर डी हुसैन काजमपोर अर्देबिली। तो गाइज इसका जो सही आंसर है मैं ही आपको बता देता हूँ, पहले आप बताना चाहो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका आंसर क्या होगा। यस, आंसर नहीं आया, आंसर है गाइज इसका मैं बता दूं आपको, वो है आपका सही आंसर हुसैन काजमपोर अर्देबिली। ध्यान रखिएगा OPEC की जहां पर बात आती है, पहले मैं OPEC को ही पकड़ता हूं। OPEC का फुल फॉर्म है गाइज, ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन, ओ से क्या बना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इसके अंदर गाइज टोटल कितने देश हैं, इसके अंदर टोटल गाइज कितने देश हैं, 12 सदस्य देश हैं। और आपको बता दें कि इसका जो हेडक्वार्टर है OPEC का, जो कि पेट्रोल के संबंधित है, वह है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया नहीं है गाइज, ऑस्ट्रिया के अंदर है वियना। OPEC एक अंतः सरकारी संगठन है गाइज, इसमें 12 तेल निर्यातक देश क्या हैं शामिल हैं, और इसकी स्थापना गाइज 1900 कब हुई थी, 60 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में इसकी क्या हुई थी, इराक के बगदाद में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और गाइज इसका जो उद्देश्य था OPEC का, वो था पेट्रोलियम नीति पर सदस्य देशों के साथ समन्वय को बढ़ाना तथा तेल बाजार की स्थिरता व पेट्रोलियम की नियमित आपूर्ति को क्या करना गाइज, सुनिश्चित करना कि हर कंट्री में वो सामान जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब गाइज हम जो यहाँ बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं कि यह जो 12 सदस्य देश हैं, ये 12 सदस्य देश कौन कौन से हैं। हाँ जी गाइज, अब देखिएगा इसमें जो 12 सदस्य देश है गाइज, उसकी मैंने छोटी सी क्या बना रखी है गाइज, एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है। वो ट्रिक क्या है गाइज, देखिएगा, इनकी INKI, नीचे स्क्रीन पर आ भी रहा है गाइज, ध्यान रखिएगा, इनकी साली, ध्यान रखिएगा, क्या इनकी साली का, इनकी साली का वैन UAE से तेल लाता है। कहां से तेल आता है गाइज, UAE से तेल लाता है। तो गाइज ध्यान रखना, इनकी साली का वैन UAE से तेल लाता है। तो I से बन गया गाइज इंडिया, N से बन गया नाइजीरिया, K से बन गया कतर, I से बन गया इराक, और SA से बन गया सऊदी अरब, A से बन गया गाइज अल्जीरिया, L से बन गया गाइज लीबिया, और I से बन गया इक्वेडोर। क्या बन गया? इक्वेडोर। K से बन गया गाइज कुवैत, A से बन गया गाइज क्या, अंगोला, वैन से क्या बन गया, वेनेजुएला, और UAE से क्या बन गया गाइज, UAE, जिसे बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात, UAE। तो गाइज आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरे द्वारा जो चीज़ आपको बताई गई है गाइज वो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट करके ये बता दीजिए कि सर हमें आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है, आपके द्वारा जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो उन्हें हम लिख रहे हैं। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। हमारा जो अगला सेशन है वो आप सबको पता है, आज की दो क्लासें आपकी रहने वाली हैं रीजनिंग प्लस में
कंप्यूटर। और गाइज किसी भी टाइम पर आपको आ सकती है दोनों वीडियोस आपके पास मैसेज के रूप में टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल के लिए अलविदा।